हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। आप लोग देख रहे हैं ये फिजिक्स इन प्लेग्राउंड का चैनल। ठीक है, तो मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देखो, अब क्या बचा हुआ है, अब कुछ महीने बच गए जेई मेंस के लिए, नवंबर दिसंबर बच गए हैं, जनवरी में एग्जाम है, डेट शिफ्ट सब मिल गया होगा, ठीक है। और जो नीट वाले हैं उन लोगों के लिए सिक्स मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, कितने 6 मंथ। और जो जेई मेंस वाले हैं उन लोगों के लिए भी देखा जाए तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी भी 5 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। मान लो जैसे कि अगर जनवरी वाला आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी वाला आप लोग समझिए कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब फुल फुल कॉन्फिडेंस, फुल इफिशियंसी, फुल पढ़ाई, फुल सिलेबस कवर के साथ आप लोग समझिए कि जनवरी में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और उसमें ही क्लियर कर देना है, ठीक ना, कुछ छोड़ना नहीं है, उसमें ही 100% क्लियर कर देना है, ठीक है, ठीक है, पहला बात। और अगर मान लो नहीं होता है, ठीक है, मान लो नहीं होता है तो फिर है ना जी, फिर जनवरी भी पढ़ना है, फरवरी भी पढ़ना है, मार्च भी पढ़ना है, 3 महीने, फिर तो अप्रैल में तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्लियर होगा, ठीक ना। जनवरी में आप अच्छा स्कोर करो, 100+ अगर स्कोर करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 200+ स्कोर करोगे अप्रैल वाला जेई मेंस में, ठीक ना। तो बस इसको देखना अच्छा से और फॉलो करना, ठीक है। तो अभी एक सेम क्वेश्चन बस पूछे जा रहे हैं, 6 मंथ बचे हुए हैं क्या करें, 5 मंथ बचे हुए हैं क्या करें, जनवरी में सर एग्जाम है क्या किया जाए, 2 मंथ का कोई प्लान बता दो, 6 मंथ का प्लान बता दो, कोई प्लान, कुछ प्लान कुछ नहीं होता है, ठीक है, पहले बात मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर बोलता है ये 6 मंथ का प्लान है, ये 5 महीने में इतना हो जाएगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा यार। एक बात बताओ सिंपल सा, ये इतना सारे आप लोगों को दिख रहा होगा चैप्टर, ठीक है, मैथ का तो मैंने नहीं लिखा है, मैथ का भी मैं बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में बायोलॉजी लिख रखा है, तो आईआईटी वाले टेंशन ना ले, मैथ मैं बता दूंगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दिख रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये 2 मंथ और 5 मंथ और 6 मंथ का सिलेबस है? अगर ऐसा रहता तो 11 12 5 मंथ और 6 मंथ का ही कर दिया जाता क्या, ठीक ना। तो देखो, पहली बात, जिन्हें अगर सही लगे तो वो पूरा देखिएगा, ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ मार्क्स का, ठीक ना, 100% मैं लेता हूँ, एकदम ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही ऑनेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो देखो बताता हूँ करना क्या है, ठीक है, अब तो जो भी दिया भी दिया, जितना समय बचा इफिशियंसी, मान लो 6 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, 6 महीना बचा हुआ है, तो 6 महीना कितना दिन होता है, 180 डेज, ठीक है। नीट में कितना क्वेश्चन आता है, 180 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, पर डे एक क्वेश्चन हम लोग को करना ही करना है, मतलब ऐसा पढ़ना है कि एक दिन एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। नीट में 180 क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आज ऐसा पढ़ूंगा कि 180 में से एक क्वेश्चन मैंने आज कवर कर लिया, ये क्वेश्चन पूछेगा मैं बना के आऊंगा, ठीक है, 100% गारंटी, ठीक है, ऐसा पढ़ना। 5 मंथ बचा हुआ, 5 में कितना होता है टोटल दिन, 60 घटा दीजिए, 120 डेज, तो 120 डेज में क्या करना है, ऐसा पढ़ना है कि मुझे हर दिन एक क्वेश्चन निकाल के आना है, ठीक है, हर दिन एक क्वेश्चन निकालना है, ठीक ना। 2 मंथ अगर बचा हुआ है, ठीक ना, जिस जनवरी के लिए, तो 2 मंथ में ऐसा पढ़ो, जितना पढ़े लिखो, ठीक ना, जितना भी चैप्टर कंप्लीट किए हो, ठीक है, तो 2 मंथ में ऐसा पढ़ो कि जितना पढ़े हैं उसी को रिवाइज करो, नया पढ़ोगे तो चले जाओगे, ठीक है, जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करो, जो पूरा अप्रैल के लिए जा रहा है तो वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, जिसको नहीं पढ़े हो, ठीक है, कि आगे चल के काम आएगा, ठीक ना। तो 2 मंथ में 60 डेज होता है, 60 डेज में ऐसा पढ़ाई करो कि कम से कम 60 डेज में 30 क्वेश्चन एटलीस्ट निकाल लेंगे, ठीक ना, 60 डेज 30 क्वेश्चन, हर दिन एक क्वेश्चन के लिए रखो, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 60 में 30 हाफ कर दिया सीधे, ठीक ना, क्योंकि मान लो कम पढ़े हो तो कम, डायरेक्ट सीधी सी बात है यार, नेचुरल फंडा बोल दूंगा कि 2 महीना में इतना पढ़ दूंगा, नामुमकिन है यार, कोई भी पढ़ दे मेरे सामने लेके आओ, ठीक है, नामुमकिन है, ठीक है। तो खैर मैं जो बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग से मेहनत की है, जो 6 दिन 6 मंथ और 5 मंथ और 2 मंथ बोल रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन है नहीं रहा, ये पढ़ना ही पढ़ना है, एक क्वेश्चन ये देगा ही देगा, ठीक है, 1 क्वेश्चन गारंटी है इसे, ठीक है। काइनेमेटिक्स पढ़ो, लॉज ऑफ मोशन एक क्वेश्चन देगा, वर्क एनर्जी एंड पावर
रोटेशनल मोशन जेई मेंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएगा, ठीक ना, 3 क्वेश्चन देखे ही जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो देखो कितना आ रहा है, 17 चैप्टर। तो क्या बोलते हो, 6 मंथ में 17 चैप्टर कंप्लीट कर दोगे? कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, वो सब करके जाओ, बिंदास मैं बता रहा हूँ, बनेगा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा से। देखो एसी पढ़ लो, क्या करना है प्रीवियस ईयर का, देखो सब चीज़। कुछ भी अगर चाहिए होगा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड चैनल में जाना, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, मिल जाएगा, उस पे चले जाना, उस पे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बहुत काम वाले चीज़ मिल जाएंगे। एसी पढ़ लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर बना लेना जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा फिजिक्स का, ठीक है, दिसंबर तक सब फिनिश कर दूंगा, तो ये कर लेना। प्रीवियस ईयर टाइप पे ही क्वेश्चन पैटर्न हो के आएंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स कर लो, 2 क्वेश्चन देगा ही देगा, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जो IIT वाले हैं 12th क्लास करके जाना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए 12th क्लास में मैक्सिमम करके जाना है, ठीक ना, 12th क्लास कुछ मत छोड़ना अगर कुछ करना है तो, ठीक है। और 11 में भी यूनिट डायमेंशन कर लेना, कुछ घंटे का चैप्टर है भाई और 4 नंबर देखे जाएगा, ठीक है। रोटेशनल कर लेना, ग्रेविटेशन कर लेना, लॉज ऑफ मोशन देखो है तो बहुत लेंथी बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा समझ लेना, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 1-2 क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना, अभी तो दे रहा, कर लिया सही से तो उसका भी क्वेश्चन बन जाएगा। और ऑसिलेशन वेव तो भूलना ही मत कभी भी, ठीक ना। तो 12 कर लो और 11 से 5 चैप्टर कर लो या 4 चैप्टर कर लो या 3 चैप्टर कर लो। 3 चैप्टर ऐसा करो, जैसे रोटेशन कर लिए, इधर से ऑसिलेशन एंड वेव देख कर लिए और थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन कर लिए, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि ये 3 क्वेश्चन दे देगा, ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक ना, 2 से 3 दे देगा और ये दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो 2, 3, 5, 5, 2, 7 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना बात। 7 क्वेश्चन तक हो जाएगा, 7 नहीं भी पूछा तो 5 क्वेश्चन तो हो जाएगा भाई। तो 5 क्वेश्चन इधर से, बाकी 12 मारो ना जितना मार सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है फिजिक्स का। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री का जो भी है, मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो डाला हूँ ना, लग रहा होगा कि अभी की क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पर मेरे पे विश्वास रखो, ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर से एकदम सिमिलर क्वेश्चन है वो, ठीक ना, उसी सिमिलर क्वेश्चन पे पैटर्न पे उस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है, ठीक ना। कोई ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या कुछ किया गया है, मैंने दिखा रखा है कि ऐसा क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है जेईई मेंस में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब तुमको मेरा जाना फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, उसमें तुमको सारा ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा, वो आंख बंद करो, ऑफलाइन टेस्ट एक बार बना जाओ खुद से ईमानदारी से, जो नहीं बनता है पूछ लो मेरे से, ठीक है, सॉल्यूशन है, आंसर की है, सब है, देख लो, ठीक है, जितना कर सकते हो कर लो। 5 मिनट से भी कम का वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक ना, ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऑफलाइन क्वेश्चन ही वीडियो ही बना के मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट से भी कम, 2 मिनट का भी वीडियो है तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट का, ठीक है, 2 मिनट में स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करते चलो, कौन बोल रहा है पूरा वीडियो देखने का, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कर लेना। तो देखो इसमें तो पढ़ना, देखो कितना तक पढ़ना, टोटल 30-31 है, ठीक ना, 32 है पर मैंने एक काम करके 31 किया, तो इतना क्या लगता है 6 मंथ और 5 मंथ में होगा, कत्ता ही नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ लो, ठीक है। देखो एकदम NCERT पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्गेनिक, और लास्ट में भी मैंने ऑर्गेनिक ले रखा है। ऑर्गेनिक करना है तो NCERT पढ़ो, क्या जी NCERT, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, ठीक ना, 100% मैं गारंटी लेता हूँ सब चीज़ का, ठीक है, फुल ऑर्गेनिक NCERT चार्ट जाओ पूरा, ठीक है, एकदम मतलब जवान तो होना चाहिए NCERT। मैं जो ऑर्गेनिक का वीडियो बनाऊंगा, 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, वो देख लो, एक भी क्वेश्चन अगर उससे ऊपर जाता है मैं गारंटी लेता हूँ वीडियो पे जितना मन जो बुरा अंटसंट जो बोलना होगा बोलना, ठीक है, एकदम मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। ऑर्गेनिक का 4 से 5 वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन मैं दे ही दूंगा, ऐसा ऐसा कि 4 से 5 आ जाएगा, ठीक ना, डायरेक्टली नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली आएगा,
ठीक है, मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली उसी से आएगा, ठीक है, सिमिलर टाइप आएगा पर आएगा मतलब आएगा, ठीक ना। बस अब विश्वास का बात है, जिसको विश्वास है वो करेगा, जिसको नहीं है वो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो जो अभी तक बने होंगे उन लोगों के लिए मैंने ये बता दिया बीच में, क्योंकि देखो आप लोगों को विश्वास है इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये गारंटी मैं देता हूँ ऑर्गेनिक का, ठीक है। जाके पहले ऑफलाइन टेस्ट देखना, उसे बनाना, ठीक है। और ऑर्गेनिक का 4 से 5 या 6 वीडियो आएगा, फुल ऑर्गेनिक मैं वो 6 वीडियो में क्लियर करा दूंगा, ऐसा रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कहीं मिलता है तो मुझे बताइए, मुझे सेंड कीजिए, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा अगर कहीं पर भी ऐसा मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल। फिजिकल के लिए भी देखो एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। फिजिकल पहले इनऑर्गेनिक मैंने दे रखा है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फिजिकल सब मिला ही हुआ है, ठीक है। तो देखो फिजिकल के लिए मैं बोलता हूँ जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, बाकी नीचे दे रखा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सर्फेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स केमिकल, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कर देना भाई, ठीक ना, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम करके जाना, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक ना, ये करके जाना, सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा। तो फिजिकल के लिए बताता हूँ मैं जल्दी से कि एनसीईआरटी पहले पढ़ लो, पूरा थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ लो। अब जैसे मान लो सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट से 2016 में शायद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन शायद सॉलिड स्टेट से था या डी ब्लॉक ए ब्लॉक से, ठीक ना, मुझे अच्छा से याद नहीं है। तो उसमें पूछा था फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा है, 2016 पेपर उठाना केमिस्ट्री का, पूछा था फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट क्या है। तो वो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट तुम पढ़ लो नोट्स मॉड्यूल 6YZ ट्यूशन का, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। वो सॉलिड ही स्टेट का था, ठीक ना, सॉलिड स्टेट में लास्ट में आता है शायद, ठीक ना, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये सब आता है, ठीक है। तो वहाँ से था क्वेश्चन, तो ये सब बनेगा कहाँ से, एनसीईआरटी। उसके बाद लगाओ ना यार क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, मेरा वाला क्वेश्चन उठाओ लगाओ, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार, अगर वो बन रहा है तो गारंटी मैं ले रहा हूँ ना, क्या टेंशन है, सब मैं डाल रखा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, सब फिजिकल का डाल रखा हूँ, ठीक ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कुछ कुछ का बाकी है मैं जानता हूँ, बाकी वाला मैं सब डाल दूंगा, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री रहो, ठीक ना। और बात रहता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पर आप लोगों को रटना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, रटना तो पड़ता है केमिस्ट्री में, ठीक है, ठीक ना, ऑर्गेनिक समझना है, रटना भी है, नेमिंग रिएक्शन आधे से ज़्यादा बच्चे रट के जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक मानो तो 90% रटना होता है, ठीक है। अब कलर पूछ दिया था 2018 में, कौन कलर कैसे, अब उसमें क्या थे थीस थोड़ी ना लगेगा, वो तो डायरेक्टली रटना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर बात है, ठीक है, जो बोलते हैं कि केमिस्ट्री समझो और ये करो, कुछ नहीं, रटना पड़ता मतलब रटना पड़ता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का बात, ऑर्गेनिक क्या चीज़ें से करना है, एनसीईआरटी 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 अगर कुछ करना है तो, ठीक है, मेरे पे विश्वास रखो। और फिजिक्स इन प्लेग्राउंड जाना, उसमें सारा क्वेश्चन ऑफलाइन टेस्ट का बना जाओ, ऑर्गेनिक का 4 से 5 वीडियो डलेगा, ठीक है, देख लो आराम से बिंदास होके, ठीक ना, हो जाएगा केमिस्ट्री हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिजिक्स का भी वही है, जाके देखो करो पढ़ो बिंदास हो जाएगा। अब देखो जो लोग नीट, जो लोग आईआईटी वाले थे वो लोग अब वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक ना, वो लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें। अब यहीं तक था आप लोग के लिए आईआईटी वाले के लिए। अब मैथ में मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैथ के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब पढ़ लो, कैलकुलस पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है, कैलकुलस कर लो। और इधर का 3-4 नीचे वाला जो मैं बोल रहा हूँ, वैक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिस्टिक भी कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक ना, समझ में आ रहा ना, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स कर लो, ये सब थोड़ा सा लगेगा पर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और कैलकुलस कर लो, इतना करके जाओ, ठीक ना। बाकी ये सब जो डिफरेंशियल इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोवियर थ्योरम, पॉइंट स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये सब अगर होता है तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता, खत्म बात। बाकी प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन एंड सेट्स, ठीक है, फंक्शन अगर देखना तो देख लो, लिमिट्स तो कैलकुलस में ही
सब करना पड़ जाएगा। ठीक है, बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लो। ठीक है, पर इतना करके जाना कैलकुलस। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैथ वालों लोग के लिए, ये सुन के आप लोग वीडियो क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब नीट वाले के लिए आएगा, बायोलॉजी बायोलॉजी आप लोग काम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, एक एक सेकेंड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कर ले। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमम से समझो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो कर लो। और नीचे का वेक्टर और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्स एंड स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल रीजनिंग कर लो। ठीक है, और कुछ ऊपर से अगर बचता है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स कर लो, खत्म करो अब। ठीक है, ठीक ना, दो मंथ के लिए इतना ऐसा करो कि ये तो क्लियर है, कहीं से भी पूछे ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन मैं पढ़ के जा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक ना, ठीक है, ऐसा करो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री का जो जेई मेन्स वाले थे उनके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी वाले लोग के लिए। ठीक है, अब बायोलॉजी देखो, जो मेन्स वाले थे वो बंद कर देंगे वीडियो। ठीक है, ठीक है, अब अपना जाके पढ़ें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दबा के पढ़ो फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, ये आपके साथ रहेगा हमेशा। ठीक है, एंड तक, ठीक ना, अप्रैल का एग्जाम तक। और कुछ भी हो, अभी जनवरी में मुझे चेक कर लेना ना, ऐसा थोड़ी ना अप्रैल में एग्जाम होगा, जनवरी में मुझे आप लोग चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा कि नहीं। देखो, सबका पेपर अलग अलग आएगा शायद, ठीक ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चेक कर लेना। खैर, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी वाला, वीडियो का टाइम वेस्ट बड़ा हो रहा है इसलिए बायोलॉजी वाला स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी देखते जाओ। बायोलॉजी वाले लोग याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ बस आँख बंद करो और बस पढ़ते जाओ। देखो, बायोलॉजी मीन्स तीन चीज, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। ठीक है, यही तीन चीज़ पढ़ना बायोलॉजी में, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर करना है तो ठीक है, बाकी नहीं करना है तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी। अब देखो, अब जैसे आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो द लिविंग वर्ल्ड जो ऐसा चैप्टर है जो कि लास्ट का 3-4 पन्ना एनसीईआरटी में दिया होगा, लास्ट में दो पन्ना। ठीक ना, लास्ट में दो पन्ना मीन्स की वाला। ठीक ना, टैक्सोनॉमिकल एड कुछ करके। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा मैथ भी बता रहा, बायोलॉजी बता रहा, मैं दोनों पढ़ा सकता हूँ। ठीक ना, उसमें कोई आप लोग में भी बहुत ही स्टूडेंट होंगे जो दोनों जानते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ आते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये तुम्हारा 12 से 10 क्वेश्चन लेके जाएगा। कितना? 12 से 10 क्वेश्चन लेके जाएगा। ठीक ना, एकदम याद रखना, तो इसको तो करना ही करना है। इम्पॉर्टेंट है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 से 3 प्लांट किंगडम सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से एक आध क्वेश्चन रहेगा, लास्ट का 3 पन्ना पढ़ लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, पढ़ना सब है पर लास्ट से ही अभी पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लो। ठीक है, तो इसमें से मैं बताते जा रहा हूँ कैसा क्या क्वेश्चन पूछता, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड करना है, मतलब करना है, इसमें कोई छोड़ा छोड़ी नहीं। छोड़ना भी वो भी मैं बताऊंगा, कौन सा छोड़ दो मतलब काम भर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो। इसमें देखो, इसमें ये वाला तुम्हें थोड़ा लगेगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला चैप्टर थोड़ा लगेगा कि क्या यार क्या दे दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या दे दिया। ठीक ना, और प्लस ये वाला चैप्टर लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अंट संट कुछ भी दे दिया है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और ये वाला चैप्टर तो आधे टीचर बोलते हैं कि रट्टू चैप्टर है, इसमें मैं क्या समझाऊँ, ये तो जितना रट सकते हो रटो। ठीक है, पर वैसा कुछ नहीं है, सब समझने वाली खेला है। ठीक है, सबका सब समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझ के पढ़ो, याद करने वाला चीज़ है। अब क्या बोलूँ मैं, इसे रटना ही पड़ेगा ना, अब इसमें क्या तुम लोग समझोगे। एनाटॉमी समझ लो और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। ठीक है, ये तो रटना पड़ेगा भाई। ठीक है, पर समझ के ही चलो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सेल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये है तो सब है। ठीक है, क्लियर बात है, सेल है तो सब चीज़ है। ठीक है, तो सेल वाला चैप्टर एकदम तगड़ा होना चाहिए। ठीक ना, कहाँ से पूछता कहाँ से नहीं पूछता उसे मतलब नहीं, सेल वाला चैप्टर तगड़ा होना चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन,
लेके जा रहा हूँ, अभी का पैटर्न में 8 से 10 क्वेश्चन लेके जा रहा है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चन लेगा, एनिमल फिजियोलॉजी 16 क्वेश्चन ले जा रहा है, अभी अभी का मैं पैटर्न बता रहा हूँ नीट का, 16 से 15 क्वेश्चन ले जा रहा है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। रिप्रोडक्शन 10 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन 10 क्वेश्चन, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही अभी ले रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा ले रहा है, वो वाला ले रहा है, बीच वाला जो चैप्टर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, क्या चीज बीच वाला चैप्टर है, रुको मैं नाम बता देता हूँ। स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, समझ में आ गया। जो नीचे वाला जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछ ही दे रहा, पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन तगड़ा ले जा रहा है, 3 से 5 क्वेश्चन ले जा रहा है, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन ले जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो छोड़ना मत, तीनों का तीनों इसमें पढ़ लेना। बहुत बच्चे 3 गो में से सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ते हैं, ह्यूमन वेलफेयर डिजीज वाला, नीचे वाला 2 को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों करना है, ठीक है। बायोलॉजी बिंदास रहो, मैं बताऊंगा, पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी करना ही करना है, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। इकोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 क्वेश्चन ले जा रहा है इकोलॉजी, ठीक है। पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। एनसीईआरटी में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा इकोलॉजी का क्वेश्चन, बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो बिंदास जुड़े रहो आप लोग फिजिक्स इन प्लेग्राउंड से, बायोलॉजी तो मैं ठोकूंगा साथ में मिलके, ठीक है, ठीक ना। इकोलॉजी में तुम चले जाओ तो तुमको मालूम चल जाएगा, 2017-18 का पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी से बहुत ही मतलब क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, पर 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ पारा रहेगा, ठीक ना। सिलेबस में ही रहेगा पर थोड़ा बुक से बाहर का थोड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये था बायोलॉजी का भी कहानी। तो अब मैं बताता हूँ करना क्या, 360 में से 300 प्लस नंबर लाना है, 320 प्लस, ठीक है, आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आता, आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है, एक लाइन में मैं बता दूंगा, ठीक है। 360 आउट ऑफ 320 प्लस, 320 आउट ऑफ 360, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिजिक्स में मैं जानता हूँ बहुत ही लगता है कमजोर है, ये है वे है, ठीक ना। फिजिक्स में देखो 150 प्लस टारगेट रखो, कितना आता है नहीं मतलब, पर टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है, 180 में 150 प्लस टारगेट रहेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें, मैं समझ रहा हूँ कुछ पागल बोल रहे होंगे, ठीक है, पर मैं बताऊंगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में 160, ये आएगा, ये आ जाएगा, ये मुझ पर भरोसा रखो, ये आ जाएगा, ठीक ना। 180 का 180 में ठोकता, पर किसी कारण इनऑर्गेनिक कारण मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ फिजिकल में भी हो जाता है, कुछ इनऑर्गेनिक में भी हो जाता, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, पर ये आएगा, ठीक है। ये तो भाई तुम लोग को आना ही चाहिए कि हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 360 और 320 प्लस आउट ऑफ 360 लेके आऊँगा। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तब तो छोड़ दो मेडिकल, ठीक है। ये नहीं आ रहा तब यार बहुत मुश्किल ही, मतलब नहीं आ रहा मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ 320 प्लस ला दूंगा, ठीक ना। कॉन्फिडेंस का बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ का बात नहीं। AITS दे रहे हो, इतना मार्क्स नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100% निकलेगा यार, बस मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से तो निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना करना है और इसमें इतना और इसमें इतना, अरे क्या होगा इसमें इतना नहीं आएगा तो 120 नंबर तो आएगा, इतना टारगेट लेकर चलो, 120 नहीं 80 नंबर तो आएगा, हाँ 100 नंबर तो आएगा, 150 का टारगेट लेके चलने में क्या जा रहा है, 100 नंबर आएगा, 80 नंबर आएगा, 120 कुछ तो आएगा, ठीक है। इतना का टारगेट लेके चलेंगे 290 नंबर तो आएगा कम से कम, आएगा जी। 160 का टारगेट ले चलता हूँ तो 140 तो आएगा कम से कम, ठीक ना, समझ में आ रहा है। और आना चाहिए यार, ये 300 प्लस तो आना चाहिए, ठीक ना। तो देखो कैलकुलेट करो ना, 320 प्लस 160 कितना होता है, 480, 480 प्लस 100 580 या प्लस 50 630, कितना बोल रहा हूँ मैं, 630। और अगर ऐसे कर तो 120 140 260 प्लस 200 460 प्लस 90 कितना होता है, 460 प्लस 90 460 प्लस 90 550, ठीक ना, मेरे ख्याल से 550 प्लस आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो देख रहे हो कितना का 80 मार्क्स का सीधे डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो रैंक कहाँ जाएगा, बहुत पीछे रैंक चला जाएगा, कॉलेज भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इतना सेफ साइड है, ठीक है, 550 सेफ साइड है स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए सेफ रखो, पर मैं तो बोलूँगा ऐसा खेलो ना गेम, 100% सेफ खेलो। ठीक ना, 50-50 क्यों खेलोगे, 100% सेफ खेलो। ठीक है, तो ये था 6th मंथ का प्लान। ठीक है, क्या करना है, फिजिक्स इन प्लेग्राउंड से जुड़े रहो। ठीक है, बिंदास कुछ भी, अगर इसमें से मैंने बहुत कुछ डाल रखा ऑफलाइन टेस्ट का, ठीक है, जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, बिंदास लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी नहीं डाला हूँ, डालूंगा समय आएगा तब। ठीक है, तो लगाओ क्वेश्चन, जुड़े रहो, जो भी पूछना है पूछो। ठीक ना, और 6th मंथ 5th मंथ 4th मंथ ये सब छोड़ दो। ठीक है, 32 चैप्टर यहाँ पे 2 साल में कंप्लीट नहीं होता, 6 महीना में कैसे होगा भैया। ठीक ना, तो ये था प्लान। टाइम मैंने बहुत ही कंज्यूम कर लिया, 25 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है टाइम, मैं ले लिया, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, पर ये इफेक्टिव था। ठीक है, ये इफेक्टिव था, ये मुझे ज़रूरी था ये बताना, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, ठीक है, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।